एक पौराणिक कथा अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या के फल स्वरूप माँ पार्वती ने शिव जी को तो पा लिया, पर तप के प्रभाव से वह खुद सांवली पड़ गई। हंसी मजाक में एक दिन शिव जी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। ये बात माँ पार्वती को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने कैलाश त्याग दिया और जंगल में जाकर तप करने लगी। उनकी इस कठिन तपस्या के दौरान वहाँ एक भूखा शेर उनका शिकार करने के इरादे से आ गया, लेकिन तपस्या में लीन माँ पार्वती को देखकर वह शेर चमत्कारिक रूप से वहीं रुक गया और माँ पार्वती के सामने बैठ गया। माँ पार्वती ने तो जिद ही पकड़ ली थी कि जब तक वह गोरी नहीं हो जाएंगी तब तक तप करती रहेंगी। शेर भी भूखा प्यासा उनके सामने बरसों तक बैठा रहा। अंत में शिव जी प्रकट हुए और माँ पार्वती को गोरी होने का वरदान दिया। इसके बाद माँ पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब उनके अंदर से एक और देवी प्रकट हुई और माँ पार्वती गोरी बन गई और उनका नाम इसीलिए गौरी पड़ा। जब माँ पार्वती वापस लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक शेर बैठा है जो उन्हें देखे जा रहा है। फिर माँ पार्वती को आभास हुआ कि वह शेर तो तपस्या के दौरान भी उनके साथ ही वहीं पर बैठा था, और तब माँ पार्वती ने उस शेर को आशीर्वाद देकर अपना वाहन बना लिया।